टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी क्या होती है? मॉडरेट इंक्रीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट काज टॉक्सिसिटी। मॉडरेट का मतलब थोड़ी सी भी यदि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट को, और यदि थोड़ा सा भी उनको इंक्रीज कर दें हम सोइल के अंदर, उसकी वजह से उनकी जो मात्रा है वो प्लांट में बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बोलते हैं इसको। टॉक्सिसिटी का मतलब है कोई भी चीज़ का यदि एक लिमिट कंसेंट्रेशन से ज़्यादा होना, जैसे डेफिशिएंसी में कम होना है, इसमें ज़्यादा होने को ही टॉक्सिसिटी बोला जाता है। एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम एट नैरो रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन। तो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट के अंदर अपना तभी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे जब वो ऑप्टिमम रेंज में है। ऑप्टिमम रेंज का मतलब एक फिक्स कंसेंट्रेशन होती है, उसी के अंदर ही वो अपना सही ढंग से काम कर पाएंगे। उससे कम का है तो वो डेफिशिएंसी को जो करेगा, उससे ज़्यादा है तो वो टॉक्सिसिटी बन जाता है। मिनरल्स आयन कंसेंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। तो मिनरल आयन कोई भी जो हमने अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े हैं उनकी कंसेंट्रेशन यदि टिश्यू में इतनी हो जाती है जिसकी वजह से जो ड्राई वेट है टिश्यू का वो 10% तक कम हो जाता है, तो उसी को हम टॉक्सिक बोलते हैं। तो इनकी मात्रा बढ़ने से जो ड्राई वेट है, जो भी वजन है प्लांट का, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। टॉक्सिक सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है उसको हम देखेंगे। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में ही नहीं बीट अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, जैसे बोरोन का हमने केस देखा था, वो कैल्शियम के अपटेक में मदद करता है। तो इसी तरीके से एक एलिमेंट की यदि कमी हो जाती है तो दूसरा एलिमेंट है वो एक दूसरे के अपटेक को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज अपियरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाई क्लोरेटिक वीन्स। प्रोमिनेंट सिम्टम का मतलब है जो स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है मैंगनीज की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से प्लांट के अंदर, वो क्या है, ब्राउन स्पॉट है, जो भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे पत्तों के ऊपर, जो किससे गिरे होंगे, क्लोरेटिक वीन्स। क्लोरेटिक वीन होती हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, वो येल्लो कलर की हो जाती हैं, जो पत्ते के बिल्कुल येलो कलर के ऊपर ब्राउन कलर के जो भी धब्बे हैं वो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। एक्सेस ऑफ मैंगनीज इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैंगनीज यदि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है, और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो एक जो एलिमेंट है वो इसकी ज़्यादा मात्रा दूसरे एलिमेंट्स की मात्रा को कम कर सकता है, जिसकी वजह से उनके सिम्टम भी अलग अलग दिखाई देंगे फिर, इसलिए इनके सिम्टम्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को। तो मैग्नीज कम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद इंजाइम। तो जो मैग्नीज है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है, यदि मैग्नीज ज़्यादा है सोइल के अंदर तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट के द्वारा, जिसकी वजह से आयरन और मैग्नीशियम है वो कम एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और जहाँ पे ये एंजाइम के साथ भी बाइंडिंग होती है तो उस केस में ये कंपटीशन मैग्नीशियम के साथ कोज करता है, मतलब जहाँ पे मैग्नीशियम को काम करना होता है वहाँ पे मैग्नीज आ जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, यदि उनको ठीक ढंग के आयन वगैरह नहीं मिलेंगे तो वो अपनी अच्छी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, हो सकता है काम ही करना बंद कर दें। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स। सूट अपेक्स का मतलब है जो भी तना होता है या फिर जो एरियल पार्ट होता है हवा में, जो पौधे का भाग होता है, उसके अंदर जो कैल्शियम का एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना भी, जिसको कैल्शियम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, उसको भी रोकता है। सो सिम्टम्स ऑफ मैगनीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली भी डेफिशियंसी सिम्टम ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो जो मैगनीज की टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स हैं वो उन्हीं सिम्टम्स जैसे दिखाई देंगे जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं आयरन के, आयरन की कमी से जो लक्षण दिखाई देंगे मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, इन तीनों की कमी से जो जो लक्षण एक पौधे के अंदर दिखाई देंगे वही लक्षण मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ही इनके जो ये आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये टॉक्सिसिटी की वजह से सिम्टम्स हैं या फिर किसी की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स हैं। उसके बाद है तो हम यहाँ से जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उनके सिम्टम्स हैं वो देख सकते हैं। बोरोन है, जैसे पत्ता ठीक ढंग से विकसित नहीं कर पाता है। सल्फर है, क्लोरोसिस देखने को मिलती है, येलो कलर के हो जाते हैं पत्ते हैं। मैंगनीज है, वो भी अलग अलग ढंग से इफेक्ट करते हैं। तो जो कलर का अलग अलग, जो अलग अलग लीफ की शेप है, या फिर अलग अलग जो, जैसे कॉपर है, कॉपर की वजह से जो लीफ है वो बैंड हो जाता है,
और अलग अलग कई जगह पे ब्लैक कलर है, जो फॉस्फोरस में थोड़ी सी जो कलर है पर्पल कलर का और लीफ का, तो ये जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से पत्ते के अंदर, जो अलग अलग प्लांट पार्ट है उसके अंदर।